कहते हैं कि बड़े से बड़ी आग की शुरुआत भी एक छोटी सी चिंगारी से होती है। कोई भी देश चाहे जितना ज्यादा ताकतवर हो, एक गलती और पूरा सिस्टम फेल। शुरुआत हत्या और उत्पीड़न से होती है और अंत लूटपाट, हिंसा, दंगों और पलायन से होती है। कुछ ऐसा ही हाल है फ्रांस का। पिछले एक हफ्ते से फ्रांस धधक रहा है। एक युवक की हत्या के बाद सड़कों पर कैसे लोग उतर आए? आखिर उस रात पुलिस और मारे जाने वाले युवक के बीच में क्या हुआ था? हिंसा और दंगों में सोशल मीडिया कितना जिम्मेदार है? और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र कैसे हुआ? मन में उठ रहे कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। घटना फ्रांस की राजधानी पेरिस के इलाके नेंतेरे की है। तारीख थी 29 जून, दिन मंगलवार और रात का समय था। एक युवक जिसका नाम था नाहेल और उम्र थी महज 17 साल, वो एक कार पर सवार होकर जा रहा था। कार को ड्राइव भी खुद नाहेल ही कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि सांप्रदायिक हिंसा से बचने के लिए नाहेल के सरनेम को गुप्त रखा गया है। अब वापस आते हैं घटना पर। जब नाहिल कार में बैठकर उसे चला रहा था तो पुलिस वाले ने उस पर गोली चला दी, क्योंकि उसने ट्रैफिक रूल को तोड़ा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। गोली कैसे लगी, इसे लेकर दो तरह की बातें कही जा रही हैं। पहली थ्योरी कहती है नाहिल पीले रंग की कार में था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने कार का पीछा किया, उसे रोका। रोके जाने पर नाहिल ने भागने की कोशिश करी और तभी पुलिस ने गोली मार दी। दूसरी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने नाहिल की गाड़ी रोककर खिड़की से उस पर गोली चलाई। गोली लगने के बाद भी उसने भागने की कोशिश करी। करीब 200 मीटर दूर जाकर कार एक दीवार से टकरा गई और क्रैश हो गई। इस घटना का वीडियो जिसे दिखाया नहीं जा सकता है वो तेजी से वायरल हो गया। खबर फैलते ही जनता के गुस्से ने पहले प्रशासन का विरोध, फिर तोड़फोड़ और आगजनी, और फिर सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। अब तक 1700 से भी ज्यादा दंगे के अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया है कि हिंसा रोकने के लिए देश भर में 45,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती करी गई है। देश के बिगड़ते माहौल को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने अपनी जर्मनी का दौरा भी रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति मैक्रॉन ने सोशल मीडिया को दंगे भड़काने का आरोपी बताया है। उनका कहना है कि टिकटॉक, स्नैपचैट, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लापरवाही दिखाई है। उनकी गैर जिम्मेदारी के चलते आज पूरा देश धू धू कर जल रहा है। ये तो हो गई फ्रांस की बात। अब सवाल ये है कि इस घटना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र क्यों हो रहा है, जबकि उनका तो फ्रांस से कोई लेना देना ही नहीं है। दरअसल प्रोफेसर एन जॉन कैम नाम के एक वेरीफाइड ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके लिखा, फ्रांस में दंगे के स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत को योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजना ही होगा। वो 24 घंटे के भीतर सब सही कर देंगे। योगी आदित्यनाथ को हिंसा और दंगे जैसे मामले में सख्ती से पेश आने के लिए जाना जाता है। इस ट्वीट का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ट्विटर आईडी से लिखा गया, जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवाद, दंगे भड़कते हैं, अराजकता फैलती है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो दुनिया सांत्वना तलाशती है और उत्तर प्रदेश के महाराजी द्वारा स्थापित कानून एवं व्यवस्था परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। जैसे ही ये ट्वीट किया गया उसके तुरंत बाद ही AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, फिरंगियों की तारीफ के इतने भूखे हैं कि किसी फर्जी अकाउंट के ट्वीट से ही खुश हो रहे हैं। झूठे एनकाउंटर, गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई और कमजोरों को निशाना बनाना कोई परिवर्तनकारी नीति नहीं है, ये जमहूरियत का विनाश है। योगी मॉडल का सच तो हमने लखीमपुर खीरी और हाथरस में देखा था। अब वापस फ्रांस की घटना पर आए तो जान गंवाने वाले नाहेल की दादी नादिया ने अपील करी है कि शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा है कि खिड़कियों, बसों, स्कूलों में तोड़फोड़ मत करिए, हम चीजों को शांत करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।